हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मात्र एक कच्चे आलू से पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। और इस नाश्ते को आप एक बार खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। वैसे तो आपने आलू के बहुत सारे नाश्ते खाए होंगे, लेकिन गारंटी के साथ बता रहे हैं ये नाश्ता खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया था। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ आधा आलू लेना। वेट नहीं, मुश्किल से 20 ग्राम का आलू था जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद छील लिया है, और छीलने के बाद इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश किया है ताकि इसका जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए। स्टार्च निकालना बहुत ही जरूरी है, इसी से नाश्ता क्रिस्पी और कुरकुरा होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे। देखिए, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, उसके अंदर अपने आलू को ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मूंगफली कच्ची वाली। यहाँ पे मूंगफली को आपको भूनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना, और ग्रीन चिली जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम 1 इंच का अदरक लेंगे जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और अब इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे जीरा साबुत वाला। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, बस 3 कलियां डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है। और यहाँ पे मैंने इसका दरदरा पेस्ट बनाया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा 1 से 2 बार मिक्सी को चला कर रोक देना है और इस तरीके से दरदरा पीसना है। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। एंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, तो अगर आपका छोटा कप है तो आप 2 कप डालना। पानी हमारा हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे, तो पानी को पहले हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से पानी हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, लुक आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून डाल दी हूँ। अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, ये हमारा 1/4 चम्मच तक चाट मसाला, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग डालने से क्या होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, नाश्ते को पचाने में मदद मिलेगी। तो ज़्यादा हींग नहीं डालनी, सिर्फ 1 से 2 चुटकी डालनी है। ये गई हमारी हींग। अब इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालेंगे, बिल्कुल नाम मात्र का, 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ज़्यादा आपको नहीं डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 उबाल आने का वेट करेंगे तो देखिए उबाल आ चुका है। अब ये जो आलू वाला पेस्ट था ये हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे। तो आलू को मैंने पीस लिया है तो इसको कुक करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको अच्छे से कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए। यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस इसका हमें कच्चापन दूर करना है। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए जब पकाएंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। ये देखिए, इस तरीके से बबल छोड़ना शुरू कर दिया है और इस तरह से गाढ़ा हो चुका है हमारा ये आलू। तो यानी ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। इस तरीके से ये आधा हो जाए, जो हमने 1 गिलास पानी डाली थी वो आधा बचे, तो समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसको हम निकाल कर ठंडा करेंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरा काम करेंगे। और इसे ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, इतना ठंडा करना है कि जब इसे हम छुए तो छू पाए। अभी ये काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, तो चलिए इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 साबुत खड़ी लाल मिर्च, सिर्फ 2 डालनी है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते आप सिर्फ 1 डालना। और अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच का अदरक जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 7 से 8 कलियां लहसुन की, क्योंकि मेरी पतली पतली और छोटी है छोटी हैं, इसीलिए मैंने 7 से 8 डाली है। अगर आपकी मोटी है तो आप सिर्फ 6 डालना। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा साबुत वाला, और 1 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून तक नमक डाल दे रही हूँ। और अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे।
इससे ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है क्योंकि प्याज में खुद का पानी होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1/2 टीस्पून तक डाल लेंगे ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे हींग और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। अब दोनों चीजों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटक जाने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जब ये चटक जाएगी तब इसके अंदर हम अपना पेस्ट डाल देंगे सारा का सारा, और इसको हम अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ देता है। तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बिल्कुल भी तीखापन नहीं आएगा, उससे अच्छा सा कलर आएगा। ये हमारा 1/2 टीस्पून तक काश्मीरी लाल मिर्च, और अगर आपके पास ना हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काश्मीरी लाल मिर्च डालने से कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा जो ये था पेस्ट, ये बिल्कुल अच्छे से कुक होना शुरू हो गया है। अब इसको हम 10 सेकंड हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और यहाँ पे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल नहीं निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम निकाल कर ठंडा करेंगे। तो गर्म नहीं इस्तेमाल करना है, ठंडा इस्तेमाल करना है। और आप इसको 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के भी, लेकिन आपको इसे बिल्कुल अच्छे से कुक करना है। तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया डालने की वजह से क्या होगा कि आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे 1 से 2 दिन में खाना चाहते हैं तो आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी हरा धनिया मत डालना। इस तरीके से देखिए पैन छोड़ने लगा है, अब इसको हम निकाल लेंगे। आप एक बड़े साइज का बर्तन लिया, अब इसके अंदर इस तरीके से छन्ना रख देंगे। अगर आपके पास ये छन्ना ना हो तो आप इसकी जगह पे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूती वाले। अब इसमें हम डालेंगे पोहा, जिसको चूरा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वेट नहीं, ये हमारा मुश्किल से 5 ग्राम है, नाप में एक कटोरी, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो पोहे को जरूर वॉश करके इस्तेमाल कीजिए, इससे क्या होता है कि इसकी जितनी भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं पतले वाले पोहे का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास पतला वाला ना हो तो आप मोटा वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी मैंने पोहे को अच्छे से वॉश कर दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा पतला वाला पोहा है, इसकी वजह से मुझे इसको पानी में डाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके ऐसे ही रखेंगे 5 मिनट के लिए, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा। अगर आपका मोटा वाला है तो आप इसको पानी में डाल के रख सकते हैं। तो मेरा पतला वाला है तो मैं इसे पानी में नहीं रखूँगी, ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और 5 मिनट में पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा, फिर हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है पोहे को रेस्ट पर रखे हुए, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए पोहा हमारा कितने अच्छे से फूल गया। जब हम इस तरीके से मैश कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो रहा है, और इस तरीके से बंद रहा है, तो यानी बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम इस तरह से ट्रांसफर कर लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, इससे हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। अब इसमें हम 2 से 3 चुटकी डालेंगे हींग, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस 1/4 चम्मच तक। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, आप उसके बिना ही बना सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बिना बना लेना, अगर हो तो ज़रूर डालना। थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च लिया है 1 से 2 चम्मच, बस इतना काफ़ी। यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला लिया है, आप चाहे तो येल्लो वाला भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने गाजर को इस तरह से मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 इंच के अदरक को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, और 1 ग्रीन चिली ली है, और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो आलू वाला पेस्ट था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सारा का सारा इसके अंदर डाल देना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, आपको बताते हैं। इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी भी डाल सकते हैं। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। इससे बहुत ही नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें हम 4 चम्मच डालेंगे बेसन, मोटा महीन बेसन जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, और दूसरी बात आप इस रेसिपी को लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। सिर्फ 4 चम्मच डालना है, वेट नहीं, मुश्किल से 10 ग्राम होगा। तो ये गया हमारा बेसन, और यहाँ पे आपको बेसन को हल्का सा तावे में भून के डालना है, कच्चा नहीं डालना है। अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आलू का पेस्ट डाला था उसी से ये अच्छे से बन जाएगा। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है।
तो यहाँ पे अब आपको इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिल जाए, और 2 मिनट के बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं, अब हम बनाना शुरू करेंगे। बनाने से पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और इस तरीके से अपनी हथेलियों को हम ग्रीस कर लेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे नींबू के आकार का। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस रेसिपी को बनाने में, और टेक्सचर बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आएगा अंदर से, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, सिलेंडर शेप में बना सकते हैं, 4 एंगल में बना सकते हैं। मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल गोल बनाऊंगी, यानी गोल कटलेट बनाऊंगी। और यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, कटलेट का जो साइज होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ना बड़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटा। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है कि इन कटलेट को आपको मोटा नहीं बनाना है, अगर आप मोटा बनाएंगे तो क्रिस्पी और कुरकुरा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको इसकी थिकनेस रखनी है, इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड मैंने इतने बना लिए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। और आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सल्लो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ, देते हैं बहुत ही मजेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे एक लंबे समय तक क्रिस्पी और कुरकुरे रहेंगे। फ्रेंड आ गया गैस की तरफ, यहाँ पे मैंने तावा लिया है, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, बस इतना काफी है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। अब पूरे पैन में इस तरीके से हम तेल को फैला लेंगे। देखिए तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया, इस तरीके से चेक कीजिए, हथेली को थोड़ा सा ऊपर रखिए, अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अपने तैयार नाश्ते को इसके ऊपर लगाएंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, नहीं तो ये ऊपर से बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमें फटाफट डाल देना है। यहाँ पे एक बार में मैंने सारे डाल दिए क्योंकि मेरा तावा बड़ा था, अगर आपका छोटा है तो आप एक बार में उतने ही डालना जितने की पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। यहाँ पे एक बार में मैंने सारे डाल दिए क्योंकि मेरा तावा बड़ा था, अगर आपका छोटा है तो आप एक बार में उतने ही डालना जितने की पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, अब चलिए इसको टर्न करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और सारे हम इस तरीके से पलट लेंगे, और दूसरे साइड भी हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। तो टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा, और दूसरी बात बहुत ही कम तेल का है, और तीसरी बात बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और चौथी बात बहुत ज़्यादा ये हल्का है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पलट दिया है, अब इसको दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, दूसरे साइड से भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है, अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही कम तेल का बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा नाश्ता रेडी हो चुका है, जिसको हम सर्व करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा भी जल रहा है ये देखिए। और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं ये देखिए, और दूसरी बात अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और यहाँ पे ये वाली जो चटनी है इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार इसको बना लेंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, काफ़ी ज़्यादा जल रही है अभी। अगर आप इसे चाहें तो चाय के साथ, केचप के साथ, मोमो चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही कम सामानों से ये बनकर रेडी हो जाती है, और खाने में इतनी मज़ेदार है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इंजॉय करने। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल कर शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो जब भी आपको छोटी मोटी सी भूख सताए तो आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ कम तेल की भी है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है ये देखिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।